लेकिन एक अच्छी खबर है जो आपको बता दी जाए आईटीसी को लेकर, और ये खबर लेकर और पूरी डिटेल लेकर आ रहे हैं आ चुके हैं वरुण दुबे हमारे साथ स्टूडियो में। वरुण, आईटीसी के लिए भी अच्छी खबर आती है? हाँ अनिल जी, आती है। और इसके बाद थोड़ी दिन बाद देखना और एक अच्छी खबर आएगी इसके लिए। ओ, आपको याद है अनिल जी, वो नेजल स्प्रे के लिए इसने ट्रायल किया था। वो थर्ड फेज में ऑलरेडी पहुंच चुका था, जो इसने एनालिस्ट डे में बताया था इन्वेस्टर डे में। किसी दिन देखना वो आ जाएगा कि इन्होंने लॉन्च कर दिया। अच्छा, आएगा आज, नहीं तो कल आएगा। और तो आज ये वाली नहीं है क्या खबर? आज दूसरी खबर है। अच्छा, आज दूसरी। अच्छा, तीसरी आपने पहले बता दी, दूसरी आप बताएंगे? पहले बता दी मैंने, जो आएगी आज नहीं तो कल महीने भर के अंदर। लेकिन जो खबर है वो मैं आपको बता देता हूं। खबर ये है कि प्लांट बेस्ड मीट मार्केट जो है, जो कि आजकल काफी चर्चा में है, उसमें इस कंपनी ने एंट्री कर ली है। और सबसे बड़ी बात यह है कि भारत में इस स्पेस में एंट्री करने वाली दिग्गज कंपनियों की लिस्ट में ये एकमात्र कंपनी है। बाकी छोटी बड़ी कंपनीज आपको काफी मिलेगी। अब आईटीसी मास्टर शेफ ये ब्रांड है, का मैंने इंटरव्यू किया था। हाँ, रितेश देशमुख और जनरली आज डिसूजा जी, उनका जी। हाँ, उन्होंने भी क्या नाम रखा था, नाम भूल गया मैं, चेक करता हूँ। हाँ, उनका भी था। लेकिन साइज और स्केल के हिसाब से अगर आप देखेंगे तो आईटीसी ने भी इस मार्केट में अब फोरे कर लिया है, और अपना जो मास्टर शेफ नाम का इनका ब्रांड है उसके अंतर्गत जो प्रोडक्ट है उसको बेचेगी। फिलहाल बर्गर पैटिस और नगेट्स जो है उसको ये कंपनी बेचने वाली है, और B2B और B2C दोनों ही मार्केट में कंपनी जो है इसको बेचेगी। करीब 8 शहर ऐसे हैं देश के जहां पे प्रोडक्ट बेचे जाएंगे। और कुछ आंकड़े मैं आपके सामने रख देता हूं। कुछ रिसर्च है उसके मुताबिक प्लांट बेस्ड मीट मार्केट जो है अर्बन एरियाज में अगर आप देखेंगे तो जो नॉन वेजिटेरियंस है उसमें करीब 63% के आसपास माना जा रहा है कि लोग इस प्लांट बेस्ड मीट को एक्सेप्ट करेंगे। भारत में इसका सिर्फ मीट मार्केट अगर आप देखेंगे तो उसका मार्केट साइज करीब $45 बिलियन के आसपास का है। लेकिन प्लांट बेस्ड मीट मार्केट जो है वो काफी छोटा है, तो एक बड़ी अपॉर्चुनिटी बनके निकलती है यहाँ पे प्लांट बेस्ड मीट मार्केट के लिए। दुनिया भर में इस प्लांट बेस्ड मीट मार्केट का साइज जो है $29 बिलियन के आसपास का है, और 2030 तक माना जा रहा है कि ये करीब $160 बिलियन के आसपास आ सकता है। सिर्फ यही नहीं, बड़े बड़े निवेशक जो है इस सेगमेंट में जो कंपनियां काम करती है उसमें निवेश कर रहे हैं, खासकर जो वेंचर कैपिटलिस्ट है वो। 2020 में अगर आप देखेंगे तो इस स्पेस में, यानी कि इस स्पेस को बेसिकली कहते हैं कि स्मार्ट प्रोटीन सेगमेंट, इसमें करीब $3.1 बिलियन के आसपास का निवेश आया था, और 2021 में $3.5 बिलियन के आसपास का निवेश जो है स्पेस में आया था। तो आईटीसी स्पेस में स्केल के साथ उतरने वाली देश की पहली कंपनी है। बड़ा इन्वेस्टमेंट भी आ सकता है, यू नेवर नो, बट हाँ स्पेस में अपॉर्चुनिटीज काफी बड़ी है और उसको टैप करने के लिए आईटीसी अब उतर चुका है। ये फोटो आईटीसी के सारे जो चल रहे साथ में उसकी है, आईटीसी की है, आईटीसी के प्रोडक्ट्स के हैं। नगेट्स और ये तो प्लांट बेस्ड मीट्स, प्लांट बेस्ड मीट, और हाँ वो इमेजिन मीट्स था। अच्छा, जो रितेश देशमुख साहब ने जो लॉन्च किया इमेजिन मीट्स, इंटरव्यू किया था। और एक आध और भी हैं इंडिया में, अब पुराने लोग हैं, मैं नाम भूल रहा हूँ उनका, नो मीट्स या ऐसा कुछ तो नाम है। okay. वो प्लांट बेस्ड, तो ये मतलब वो रिलेटिवली ऐसे साइज में छोटे प्लेयर आप बोल सकते हो, आज की तारीख में आईटीसी से बड़े इस कैटेगरी में, क्योंकि आईटीसी ने तो अब लॉन्च किया। नो डाउट आईटीसी को अपने मार्केटिंग और डीलर नेटवर्क और डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क का फायदा शायद मिलेगा, और ये बड़ा पॉपुलर हो रहा है एक्चुअली। जो लोग अब वेजिटेरियन बनना चाहते हैं, वीगन बनना चाहते हैं, वो लोग प्लांट बेस्ड मीट की तरफ काफी। इंडिया के बाहर यूनिलीवर का भी है, यूनिलीवर भी इस प्रोडक्ट में, लेकिन इंडिया में एक्चुअली अभी तक लॉन्च नहीं है। उसके पहले जैन साहब, अगर प्लांट बेस्ड मीट में उतरे तो फिर तो आपको कोई ऑब्जेक्शन नहीं ना स्टॉक को रिकमेंड करने में? इसे तो वेज ही माना जाएगा। मुझे पता है एक क्वेश्चन आने वाला और किस तरीके से आने वाला है, ये भी मैंने उम्मीद कर ली थी। अच्छा, यस, मैं बड़ा प्रेडिक्टेबल हो गया हूँ। प्रेडिक्टेबल नहीं है, शायद हो सकता है कि अपना साथ बहुत सालों का, तो थोड़ा बहुत तो देखिए हम भी सीखेंगे ये बात से सर। बाकी सही है, काफी पॉजिटिव। और इनफैक्ट मुझे सबसे बढ़िया बात इस कंपनी की लगती है कि इनोवेशन काफी है, काफी लॉन्चेस कर रहे हैं, और बस ठीक है मार्केट भले रेस्पॉन्ड करे या नहीं करे, बट हम एज एन इन्वेस्टर या एनालिस्ट हमेशा रेस्पॉन्ड कर रहे हैं। इस स्टॉक को बिल्कुल लेवल्स पे लेना चाहिए। तो कल बोलते हैं ना कि आपने बोला क्या देख के, मैं बोलता हूँ स्क्रीन देख के, क्योंकि मार्केट चल रहा है, सब कुछ चल रहा है, आईटीसी चल ही नहीं रहा है, और स्क्रीन पे ऐसा लगने लगा था कि कुछ ना कुछ होगा बेहतर। सो आई थिंक इट्स अ पॉजिटिव न्यूज, एंड आगे भी आने वाले दिनों में और भी ऐसी पॉजिटिव न्यूज इस कंपनी से आती रहेगी। तो ये है आपके लिए राय पूरी तरह से इस वक्त आती हुई आईटीसी पर।